हमें यू न जाइए, आपको हमारी पसंद आइए। हेलो दोस्तों, तो जवान मूवी तो आपने देख ली होगी अभी तक, पर अगर नहीं भी देखी होगी ना तो इस वीडियो के बाद तो आप जरूर देखने वाले हो। तो शुरू करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। मैं हूं अफशान, स्वागत आपका पेरेंट 24 में। आप देख रहे हैं सेलेब टैंगल। हम बात करते हैं सेलेब की मूवी गॉसिप और लाइफस्टाइल के बारे में। आज की डेट में जवान सिर्फ एक मूवी ही नहीं, एक ब्रांड बन चुका है। जवान ने बॉलीवुड के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और बॉलीवुड को ग्लोबल सिनेमा में चेंज कर दिया है। जवान अब तक की पहली ऐसी मूवी है जिसने अपने पहले दिन के पहले शो में थिएटर्स को स्टेडियम में बदलने में मजबूर कर दिया था। फैंस की ऐसी भीड़ हमें आज तक देखने को नहीं मिली थी बॉलीवुड की किसी भी मूवी के लिए, जो कि जवान ने कर दिखाया है। आज तक फेस्टिवल पे मूवी रिलीज होते हुए तो हमने बहुत देखा है, लेकिन किसी मूवी का रिलीज होना ही खुद फेस्टिवल बन जाए, ये पहली बार हुआ है। जवान उन सारे लोगों पे तमाचा है जो कि बोल रहे थे कि बॉलीवुड खत्म, और जो हर तरफ जवान 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 चल रहा है ना, तो इस पे कुछ आंटियां बोल रही होंगी कि क्या है जवान में, क्यों इतनी बात हो रही है इस मूवी की, ऐसा क्या ही दिखा दिया होगा। तो मैं आपको बताऊंगा कि जवान मूवी के कुछ ऐसे फैक्ट जिसकी वजह से आपको जवान मूवी देखनी ही चाहिए। जहां बॉलीवुड एक के बाद एक फ्लॉप दे रहा था, जिसमें खुद SRK की ही मूवी शामिल थी, जैसे मानो कि बॉलीवुड खत्म सा हो गया था। और इस बात से आप रिलेट भी कर सकते हो उन्हीं की जवान मूवी के इस डायलॉग के साथ। एक राजा था, एक के बाद एक जंग हारता गया। तो फिर इस मुश्किल घड़ी में बॉलीवुड किंग खुद SRK ने ही अपनी और बॉलीवुड की डूबी हुई नैया को पार लगाने के लिए 4 साल का पॉज लिया फिल्मों से, और ये देखा कि आखिरकार क्यों उनकी मूवी फ्लॉप जा रही है। जहां साउथ इंडस्ट्री एक के बाद एक ब्लॉकमास्टर बना के हिट पेट दे के थिएटर्स पे राज कर रहा था, तो फिर शाहरुख खान ने सोचा तो क्यों ना हम भी साउथ इंडस्ट्री के साथ मिलकर कुछ ऐसा बनाए जो कि अब तक अभी आया नहीं, जिसका कोई अनुमान भी नहीं लगा सकता था। तो फिर 4 साल उन्होंने इस पे काम किया और एक से बढ़कर एक तमिल इंडस्ट्री के दिग्गज लोग शामिल किए अपनी फिल्म के लिए, जिसमें सबसे पहले आते हैं डायरेक्टर और राइटर एटली, म्यूजिक कंपोजर अनिरुद्ध, और साउथ की बहुत ही फेमस और टैलेंटेड हीरोइन नयनतारा, एंड साउथ इंडस्ट्री के बैडएस विलन द वन एंड ओनली विजय सेतुपति। और साउथ के इन सुपरस्टार के अलावा भी हमारे पास बॉलीवुड से भी एक सुपरस्टार मौजूद है मूवी में, जिनका मैं नाम नहीं बताऊंगा, कोई स्पॉइलर नहीं दूंगा। तो चलिए, हिंट तो आपको मिल ही गया है कि कौन है हमारी मूवी में। तो इन सब मेगा स्टार को मिला के एक टीम बना के बॉलीवुड किंग खान शाहरुख खान ने 30 अगस्त 2021 को पुणे में जवान फिल्म की स्टार्टिंग की, एंड फिर उन्होंने कमबैक किया 2023 में एक के बाद एक ब्लॉकबस्टर मूवी के साथ, जिनके नाम तो आप जानते ही हो। पहली थी जनवरी में आई यश राज प्रोडक्शन के साथ पठान, और दूसरी तो पूरे बॉलीवुड को ही हिला के रख दिया है जवान। वेल, SRK के दो धमाके जवान और पठान तो हमने देख ही लिए, जिससे हम अंदाजा लगा सकते हैं उनका तीसरा धमाका डंकी, आई होप उसका धमाका जवान से भी बढ़कर हो, क्योंकि उसके डायरेक्टर राजकुमार हिरानी, जिन्होंने 3 इडियट जैसी मशहूर फिल्में हमें दी हैं, शाहरुख खान के साथ मिलकर कुछ अलग ही करेंगे, ऐसी हमें उम्मीद है। एंड मैं तो बस इतना ही कहूंगा बॉस, अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो, मौसम बिगड़ने वाला है। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, देखते रहिए पेरेंट 24। मैं मिलूंगा आपको फिर किसी और वीडियो में किसी और फैक्ट के साथ, तब तक के लिए मैं आपसे अलविदा लेता हूँ इस गाने के साथ। रमैया बस्ता वैया रमैया।